खुमसा तहसील अंतर्गत आने वाले डोंगरी बुर्ज में शासकीय समर्थन मूल्य धान खरीदी केंद्र शुरू किए जाने के कारण क्षेत्र के धान उत्पादक किसानों को राहत मिली है। सेवा आदिवासी सुशिक्षित बेरोजगार सेवा सहकारी संस्था येदर बुची द्वारा डोंगरी में शुरू किए गए धान खरीदी केंद्र का उद्घाटन पूर्व जिला परिषद सदस्य सुरेश रहांगडाले के हाथों किया गया। इस अवसर पर पूर्व सरपंच चेतन मिर्चुले, विनोद बोराडे, धीरेन्द्र चौधरी, तुलसीदास गोपाले, राजेश भट्ट समेत परिसर के किसान मौजूद थे। इस धान खरीदी केंद्र में ग्राम सुंदर टोला, गणेशपुर, बालापुर, कुरमुड़ा, येदरबुची, डोंगरी बुजुर्ग के किसानों का धान खरीदी किया जाएगा, ऐसी जानकारी धान खरीदी केंद्र संस्था के अध्यक्ष अनिल टेकाम ने दी है। परिसर के धान खरीदी केंद्र के अभाव में किसानों को धान फसल कम दाम में निजी व्यापारियों को बेचनी पड़ती है। इस कारण किसानों को फसल का सही दाम न मिल पाने के कारण उन्हें आर्थिक नुकसान सहना पड़ा है। किसानों की समस्या को ध्यान में रखते हुए समर्थन मूल्य धान खरीदी केंद्र शुरू किया गया है। BS क्राइम इंडिया न्यूज के साथ जुड़े रहने के लिए यूट्यूब, वेबसाइट, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर वीडियो देख लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले और गूगल प्ले स्टोर से BS क्राइम इंडिया न्यूज.com के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रोजाना ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे।